हाय दोस्तों, एप्लीकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। कुछ एप्लीकेशन ऐसा है जो कि आपके दैनिक लाइफ में काम आ सकता है। वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख चुका है कि ब्यूटी कैमरा का क्या रोल है और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूँ, देख सकते हो आप दोस्तों। ये रहा ब्यूटी कैम, बहुत सारा फंक्शन है इसमें, मल्टी फंक्शन है। पहला चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं ब्यूटी से। यह रहा ब्यूटी कैमरा। ब्यूटी कैम का रोल यही है कि और लुक को खूबसूरत कर देगा। इसमें आप सेटअप कर सकते हैं, कम बेसी है, अप एंड डाउन है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, स्टिकर डाल सकते हैं। स्टिकर में आपका देख सकते हैं स्टिकर है, ये है बेबी लुक है, बाकी ये सब सारा लुक आपका आता है, ठीक है। बच्चे के लिए इस टाइप का मास लुक है, ये फंक्शन हो गया। इसके बाद आपका बैकग्राउंड में क्या आता है, बैकग्राउंड में ये सब लुक आ जाता है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड फंक्शन हो रहा है। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी बैक साइड का बैकग्राउंड फीचर्स है वो इसमें अवेलेबल आ जाएगा। तब तक इसको डाउनलोड होने दीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा फंक्शन में चलते हैं। उसके बाद हो गया फिल्टर में। फिल्टर का रोल यही है कि आप इसको ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते हैं, लुक डिफरेंट कर सकते हैं। यहाँ से एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये लुक है। कलर आप बैकग्राउंड का देख सकते हो, कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद ए आर मैस का रोल यही है, ये सब सारा फंक्शन दिया हुआ, आप इसको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो, देखिए ये लुक हो गया, ये लुक में आ गया। क्योंकि आप कोई भी चीज़ को आप एनिमेशन के लिए, फ़ोटो सेल्फी के लिए, किसी भी प्रकार के लिए ब्यूटी कैमरा बेस्ट होता है। उसके बाद आपका क्या दूसरा फंक्शन है, उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा फेस वैप में। फेस वैप में मैंने कोई डाउनलोड किया हुआ है, देखे बाबू देख सकते हो फेस कैसा हो गया। ये सब सारा फंक्शन है फेस वैप में, ये सब आप यहाँ से डाउनलोड करके अगर आप दाढ़ी लगा बनाना चाहते हैं बच्चे का तो आप दाढ़ी आ जाएगा, देख सकते हो आप बाबू, ये रहा फेस वैप। ये फेस वैप हो गया। उसके बाद आपका ये फंक्शन आ जाता है जो कि है एडिट कर सकते हैं आप फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो को आप एडिट कर सकते हैं। इस मान लीजिए इस फ़ोटो को भी एडिट कर सकते हैं, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, रिटर्न लिख सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग, ये तो ब्यूटी तो आप जानिए रोकोलैप्स है, इसमें मल्टी फ़ोटो आप सेलेक्ट कर करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप अप एंड डाउन कर सकते हो, आप मल्टी फ़ोटो सेलेक्शन करके सिंगल ही फ़ोटो में आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा मेन फीचर हमको ये लगा फ्री स्टाइल बहुत बेहतरीन लगा कि ये लुक आप डाल सकते हो कोई भी डिस्प्ले में, ये लुक अब बाकी यहाँ से इस फंक्शन में जाके सेव कर सकते हो। उसके बाद आपका आएगा पिक शॉ का फंक्शन भी वही है, थोड़ा सा इसका डिफरेंट हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक आएगा। एक ही सिंगल 5 पिक आप एक ही सिंगल इमेज में डाल सकते हैं आप। उसके बाद वीडियो है, वीडियो को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, वीडियो को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, काट सकते हैं, यहाँ से छोटा वीडियो बना सकते हो, जितना चाहोगे छोटा बना सकते हो, उसमें डिजिटल चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप चाहते हैं कि सेटिंग्स के लिए, तो सेटिंग्स में भी बहुत सारा फंक्शन है जो कि आप सेव, पहला ऑप्शन है इंटर द कैमरा मोड इमीडिएटली आफ्टर दैट है, फर्स्ट में आप इसको सेटअप कर सकते हैं। सेव जो फ़ोटो क्लिक करते हैं वो पहले रिव्यू हो जाएगा इसको ऑन कर देंगे तो। की कंट्रोल है, वॉल्यूम का की कंट्रोल इसे कर सकते हैं। फीडबैक ये छोड़ दीजिए, साउंड शटर आवाज़ करेगा जब आप क्लिक करेंगे, शट डाउन करिएगा तो भी आवाज़ करेगा। फोकस साउंड का ज़रूरत नहीं है, जब आप फोकस करेंगे तो उसका साउंड आएगा। कोई भी फ़ोटो को आप सेव करना चाहेंगे तो SD कार्ड में इसको ऑन कर दीजिएगा तो SD कार्ड में चला जाएगा ये ऑन।
लोकेशन मांगेगा किस लोकेशन में हमको सेव करना है। बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। शूटिंग ड्यूरेशन आप कोई भी वीडियो को अगर आप शूट करते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 मिनट तक का देगा। लोकेशन मैंने सेट कर दिया, जो किसी फ़ोटो कैमरा कोई भी आप क्लिक करते हैं तो उस लोकेशन का बता देगा कि इस लोकेशन से आपका फ़ोटो खींचा गया था। लोकेशन आपको ऑन कर सकते हैं, पिक्चर का डेट एंड टाइमिंग भी मेंशन कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज ऐसा और इस पर कुछ नहीं है, बाकी एज इट इज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं सारा फंक्शन। मुझे तो ये फंक्शन बहुत अच्छा लगा, फ्री स्टाइल बहुत बेहतरीन लगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि नए वीडियो आपको अपडेट मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।